हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। थोड़ी यहाँ थोड़ा साउंड का इशू है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। इसमें मैं आपको NTPC की, जैसे कि आप सभी को पता है, CBT 2 की आंसर की आ चुकी है और सभी जोनों के जो कट ऑफ हैं वो डिसाइड हो जाएंगे अगर आप सही से उनको रिव्यू देंगे कि आपके एग्ज़ाम में रॉ मार्क्स कितने आए हैं। क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का तो कोई प्रोसेस है नहीं, तो इस वीडियो में मैं आपको चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है लेवल वाइज, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के अंदर, तो इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ आउट ऑफ 120। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए देख सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको पोस्ट भी बताऊँगा कि किस लेवल के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर कितनी ज़्यादा पोस्ट थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गुड्स गार्ड के अंदर ये लेवल 5 की पोस्ट थी और इसके अंदर जो UR की आपकी वैकेंसी है 93, OBC की 67, EWS की 14, SC की 32 और ST की आपकी 26 है। तो इसके अंदर आपकी UR की 75 to 80, OBC की 72 to 77, EWS की आपकी 70 to 74, SC की आपकी 60 to 65 और ST की आपकी 58 to 63। वहीं दूसरे पोस्ट की बात करते हैं, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है, इस पर टाइपिंग आपकी नहीं है लेकिन यहाँ पर आपकी टाइपिंग होगी। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में टाइपिंग होगी आपकी, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। उसमें वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि UR के लिए आप देख सकते हैं 179, OBC के लिए 118, EWS के लिए 44 और SC के लिए आपकी 65 और ST के लिए आपकी 32। कट ऑफ आप इसकी देख सकते हैं 70 to 78 UR के लिए, 68 to 73 आपकी जो OBC के लिए और EWS के लिए 65 to 70 और SC के लिए आपकी 58 to 63 और ST के लिए आपकी 55 to 60। देखिए, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो ठीक डाली हुई हैं अपने एडमिट जब आपने फॉर्म भरा था, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी पोस्ट ना मिले। क्योंकि टाइपिंग के लिए जो पोस्ट हैं वो वहाँ पर आपके 8 times कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसके बाद 1 गुना कैंडिडेट को पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपने अगर पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे ही भरी थी तो आपके लिए सोचने वाली बात हो सकती है। तीसरी पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, लेवल 5 की पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपकी टाइपिंग होगी। तो पोस्ट UR के लिए 81, OBC के लिए 52, EWS के लिए 18, SC के लिए 30 और ST के लिए 16। इसकी कट ऑफ क्या कह सकती है आपकी, 70 to 78, 70 to 74, 68 to 72, SC की आपकी 60 to 64 और ST के लिए 58 to 62। इसके अंदर आप ±3 कर सकते हैं टाइपिंग वाली पोस्टों के लिए, और बाकी जो बिना टाइपिंग वाली पोस्ट हैं उनके लिए आप ये फाइनल कट ऑफ मान के चल सकते हैं। क्योंकि इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इस बार नहीं है इसके अंदर, तो ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। रो मार्क्स के अंदर हो सकता है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके 85 मार्क्स हैं, लेकिन जो 8 गुना वाला लास्ट वाला कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए उसके 50 हैं, तो आपकी कट ऑफ जो है 50 पर लगेगी। और बीच में किसके मार्क्स कितने हैं ये पता लगाना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लास्ट वाले से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ऊपर आपके 7 बंदे और होंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। वहीं फोर्थ पोस्ट लेवल 4 के लिए है ये भी, इसके अंदर आपकी UR के लिए जो है 146, OBC के लिए 98, EWS के लिए 36 और SC के लिए 54 और ST के लिए 27 आपकी वैकेंसी है। इसके अंदर कट ऑफ आप देख सकते हैं 75 to 80, 72 to 77, 70 to 74, 60 to 65 एंड 58 to 63। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं, अगर आपके 55+ मार्क्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक पोस्ट ले सकते हैं फाइनल मेरिट तक, अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं तो।
वहीं लेवल थ्री की अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसकी यूआर के लिए 158 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 105, ईडब्ल्यूएस के लिए 39, एससी के लिए 58 और आपका एसटी के लिए 29। वहीं इसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं 78 to 82 और 74 to 79। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी है 72 to 76 और आपकी एससी के लिए 62 to 65 और 29 to 29 कट ऑफ है, वो सॉरी पोस्ट है एसटी में, तो इसकी कट ऑफ आपकी 60 to 63 जा सकती है। वहीं लेवल टू की तीन पोस्ट हैं जिसमें दो पर टाइपिंग है, ट्रेन क्लर्क पर टाइपिंग नहीं है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं हम अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो इसके अंदर यूआर के लिए 24, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 4 पोस्ट हैं, तो इसकी जो कट ऑफ है आपकी 78 to 80, 74 to 79, 72 to 76, 62 to 65 एससी की आपकी और एसटी की आपकी है 60 to 63। वहीं बात करते हैं लेवल टू की नेक्स्ट पोस्ट जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट टाइपिंग है इस पर भी, तो इसकी यूआर की पोस्ट है 153, ओबीसी की 98 और ईडब्ल्यूएस की 30 और एससी की आपकी 55 पोस्ट है और एसटी की आपकी 30 पोस्ट है, तो आप इसके अंदर कट ऑफ देख सकते हैं कि 75 to 78 और 72 to 75 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 69 to 74 और एससी की आपकी 60 to 63 और आपकी एसटी की है 78 to 62। वहीं आप ट्रेन क्लर्क की अगर देख लें वैकेंसी, तो यूआर के लिए 20 और ओबीसी के लिए आपकी 8 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 5 वैकेंसी, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 9। वहीं इसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं 80 to 83 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 78 to 83 और ईडब्ल्यूएस के लिए 75 to 79 और 63 to 66 एससी के लिए और आपकी जो एसटी है उसकी 60 to 63। इसमें मैं आपको एक बता दूं लो कट ऑफ जाने का क्या रीज़न है, क्योंकि 20 गुना कैंडिडेट जो हैं वो पास किए गए थे टीयर टू के लिए यानी कि मेंस के लिए, उसके अंदर जो अटेंडेंस आई है वो लगभग 15 या 16 गुना कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए हैं, यानी कि अब इसमें से आधे कैंडिडेट ही रह जाएंगे, 8 गुना कैंडिडेट जो टाइपिंग आपकी देंगे। टाइपिंग देने के बाद आपके जो हैं 35,200 पर आपकी जो है समथिंग पोस्ट थी, तो आपकी इस पर एक कट ऑफ लगेगी जो ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगी, हो सकता है किसी किसी जोन में आपकी वो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ कम भी हो जाए, किसी किसी में एक एक या दो नंबर ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये बात करें ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ के बाद जो टाइपिंग के लिए अलॉट हुए थे उन्होंने टाइपिंग क्लियर की है या नहीं की है, इस पर बहुत बड़ा फैसला डिपेंड करता है फाइनल कट ऑफ का। तो फाइनल कट ऑफ मैंने आपको ये बता दी है, अगर टाइपिंग के लिए आप मेरे से कट ऑफ पूछें तो इसके अंदर आप -3 कर सकते हैं टाइपिंग वाली पोस्ट पर, ये मैंने आपको फाइनल कट ऑफ बता दी है, फाइनल कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।